हेलो दोस्तों, डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हम लोग होंडर से सियाचिन बेस कैंप के लिए निकल चुके थे और रास्ते में आने वाले गांव और यहां के रास्ते भी हमने आपको दिखाए थे और साथ ही साथ यहां की जो रोड कंडीशन है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी थी और आपकी परमिट कहां पे चेक होती है ये भी हमने आपको सारा पिछले वीडियो में बताया था। तो यदि आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। और वही जब हम यहाँ पे सियाचिन बेस कैंप पहुँचने वाले थे तो अचानक किसी ने सीटी मार के हमें रोक दिया था दोस्तों। तो हमें किसने रोका और क्यों रोका जानते हैं आज के एपिसोड में। तो चलिए आज का रोड टू लद्दाख का सफर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बेस कैंप से पहले यहाँ पर और एक पोस्ट आता है जहाँ पर आपको फिर से अपना व्हीकल का नंबर और आपका फ़ोन नंबर, आपका नाम एंट्री करवाना होता है। तो हमने अपना एंट्री कर दिया है और अभी हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पर अभी पार्किंग है तो जो रोड है उससे नहीं जाना होता है, ये अलग से रास्ता बनाया हुआ है। और यहाँ पर जो सोल्जर बैठे थे उन्होंने बताया कि अगले साल तक शायद और भी आगे जाने मिलेगा क्योंकि सिविलियंस के लिए एक अलग से रूट बनाया जा रहा है। और यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हो ये वॉर मेमोरियल है यहाँ का, सियाचिन का, और यहीं पे पार्किंग है और साथ ही साथ यहाँ पर कैंटीन भी है। बिल्कुल जैसे कल आपको श्योक वॉर मेमोरियल दिखाया दोस्तों, ये उसी टाइप का है। तो चलिए दोस्तों, अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करते हैं और सब जगह आपको दिखा देगी यहाँ पर क्या क्या है देखने जैसा। तो ये है दोस्तों यहाँ का पार्किंग एरिया और ये सामने सोविनियर शॉप है और ये सियाचिन कैफे है और वहाँ पे वॉशरूम्स बने हुए हैं और ये कुछ यहाँ के आसपास के नज़ारे हैं। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। वहाँ पर थोड़ा सा सिटिंग एरिया है और ऊपर वहाँ पे को दिखाई दे रहा होगा कि ब्लैक कलर का जो है वो मेमोरियल है। तो चलिए चलते। तो लीजिए दोस्तों, अभी हम आ गए यहाँ के ये सुविनियर शॉप में और यहाँ पर मैंने अपना स्टिकर भी लगा दिया है क्योंकि यहाँ पर ये स्टिकर लगाने के अलग से पूरा एक स्पेस बना हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें खरीदने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे ये गारमेंट्स लगे हुए हैं और मैंने चेक किया तो दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी के गारमेंट्स थे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हमें कुछ रिक्वायरमेंट नहीं थी। और उसके अलावा यहाँ पर शूज़ भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप चाहो तो यहाँ से भी कुछ खरीद सकते हो। लेकिन हमने यहाँ से ये बैजेस खरीदे थे जो कि सियाचिन वॉरियर्स के हैं और अल्पेश भाई ने अपने लिए फ्रिज मैग्नेट लिया था, तो ये दोनों चीज़ें हमने एज अ मेमोरी यहाँ से अपने साथ में ले ली थी। और अभी दोस्तों चलते हैं यहाँ से कैफ़े में। यहाँ का कैंटीन है दोस्तों। भैया क्या क्या है अभी? ये है। तो यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें जैसे कि चाय, कॉफ़ी, मैगी, ऑमलेट ये सब मिल जाएगा, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी थोड़ा रिफ्रेशमेंट ले सकते हो। तो ये पार्किंग एरिया और सुविनियर शॉप है और यहाँ से ये एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है और ये कच्चा रास्ता है जो आगे आपको लेकर जाएगा सियाचिन वॉर मेमोरियल। तो दोस्तों अभी उसी रास्ते से बढ़ते हुए अभी हम आ गए थे यहाँ पे ऊपर की तरफ जहाँ पर ये सड़क आ जाती है और यहाँ पर ये एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड और साथ ही साथ यहाँ पर वो सारी जगहों के नाम लिखे गए जिस पर हमारी इंडियन आर्मी की पोस्ट बनी हुई है, जिसमें सोल्टोरो रेंज है, इंदिरा कॉल है और साथ ही साथ यहाँ पर काराकोरम रेंज लिखा हुआ है। तो इन सारी जगहों पर हमारी इंडियन आर्मी ने अपनी पोस्ट बना ली है जब 1984 में यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत हुआ था। और ये रास्ता दोस्तों आगे जाता है सियाचिन वॉर मेमोरियल की तरफ जो हमारे उन शहीद जवानों की याद में बनाया गया है जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी इस जगह पर अपने देश की रक्षा के लिए। और वहीं जब हमारा ध्यान गया तो हमने देखा तो यहाँ पर और गाड़ियाँ भी आ रही थी, तो पता नहीं हमारी गाड़ी को क्यों ऊपर अलाउ नहीं किया क्योंकि दोपहर का टाइम था और इतनी ऊँचाई पर चलने में काफ़ी सांस फूल जाती है। तो लीजिए दोस्तों, अभी हम पहुँच गए यहाँ पर सियाचिन वॉर मेमोरियल पर
और यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट वी फॉरगेट। और ये स्मारक हमारे उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और अगर नंबर्स में बात की जाए दोस्तों, तो आज तक करीबन 1100 से ज़्यादा जवान यहाँ पर शहीद हो चुके हैं। और उसमें दुख की बात तो ये है कि इनमें से ज़्यादातर जवान जो है वो लड़ाई में नहीं, लेकिन यहाँ के खराब मौसम का सामना करते हुए शहीद हुए हैं। क्योंकि ये जो बैटलफील्ड है ये 18,500 फीट के ऊपर बनी हुई है और यहाँ का कम से कम जो तापमान है ये -50 डिग्री तक हो जाता है। और यहाँ पर जब ठंडी की मौसम होती है तो यहाँ पर 35 फीट से भी ज़्यादा बर्फ़ हो जाती है। तो ऐसे मौसम में सर्वाइव करना साधारण मनुष्य का काम नहीं है और उसके लिए इनको यहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। और यहाँ पे इस युद्ध भूमि पर हमारा भारत सरकार का हर दिन का 5 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा होता है। तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, तो उसके पीछे एक कारण है दोस्तों कि ये जो जगह है इसका भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही महत्व है। और ये क्या महत्व है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं आपको एक मैप पर लेके चलता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये सियाचिन का जो एरिया है ये हमारे भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो इस मैप पर आप जो ब्लू कलर की लाइन देख रहे हो ये LOC है, जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। और इस पर आपको लाल कलर से एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा जिस पर लिखा हुआ है NJ9842। अभी ये जो पॉइंट है ये लास्ट पॉइंट है जहाँ तक पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया था। और सामने की तरफ आपको काराकोरम पास दिख रहा होगा जहाँ पर चाइना ने अपना रास्ता बना के वहाँ से आगे का एरिया अपने अंडर में कर लिया था। अभी उसके दोनों के बीच में एक आपको एक लाइन दिखाई दे रही है जो पाकिस्तान ने बनाई थी कि ये प्रूव करने के लिए कि ये जो एरिया है ये हमारे अंडर में आता है। और अगर हम इंडिया उसे एक्सेप्ट कर लेते तो इसके ऊपर का जो सारा एरिया था ये पाकिस्तान या चाइना के अंडर में चला जाता और वहाँ से दुश्मन का लेह लद्दाख और कश्मीर पर कब्ज़ा करना भी काफ़ी आसान हो जाता। तो ये सब ना हो उसी वजह से 1984 में हमारी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था और जिसके अंडर में हमने यहाँ पर सोल्टोरो रेंज पर हमारी पकड़ फिर से बना ली और ये जो सारा एरिया था वो हमने अपने कब्ज़े में ले लिया। तो इसी वजह से दोस्तों ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए आज तक हमारे हज़ारों जवानों ने यहाँ पर अपनी जान कुर्बान की है दोस्तों। और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए दोस्तों यहाँ पर यह स्मारक बनाया गया है। और मुझे यकीन है दोस्तों आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जिनको ऑपरेशन मेघदूत के बारे में पता होगा, यहाँ तक कि मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो जब मैंने यहाँ पर विज़िट किया तभी मुझे इसके बारे में पता चला। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि यह ऑपरेशन मेघदूत क्या था और किसने इसका नेतृत्व किया था और इसे किस तरह से और किन परिस्थितियों में सफल बनाया गया। और ये सब बातें आपको आसानी से समझाने के लिए जिस तरह मैंने बैटल ऑफ तुर्तुक का वीडियो बनाया था बिल्कुल उसी तरह से मैंने आपके लिए ऑपरेशन मेघदूत का भी वीडियो बनाया है। तो चलिए दोस्तों साथ में मिलकर जानते हैं क्या था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना के वीरों की कर्तव्य परायणता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ऑपरेशन मेघदूत अप्रैल 1984 में शुरू हुआ था जो सियाचिन क्षेत्र में भारतीय सीमा की रक्षा के लिए किया गया एक अद्वितीय प्रयास था। इस ऑपरेशन का नेतृत्व ब्रिगेडियर जनरल वीरेंद्र सिंह ने किया था और इसकी शुरुआत सिर्फ एक फोन कॉल से हुई थी। जब अप्रैल 1984 में ब्रिगेडियर जनरल वीरेंद्र सिंह यूरोप में अपने कुछ सप्लायर्स को आर्कटिक गियर का ऑर्डर देने के लिए फोन करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि पाकिस्तान ने भी उसी सप्लायर्स को आर्कटिक गियर का बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है जिसका उपयोग भारतीय सेना अत्यंत ऊंचाई वाले क्षेत्र में सैन्य प्रशिक्षण की तैयारी के लिए करती है। और फिर खुफिया रिपोर्टों के अनुसार पता चलता है कि पाकिस्तान का इरादा सियाचिन पर कब्जा करने का था और उन्होंने इसका कोडनेम ऑपरेशन अबाबेल रखा था, जिसके जवाब में भारतीय सेना सियाचिन में सैनिकों को उतारने के लिए एक सैन्य ऑपरेशन करने का निर्णय लेती है और उसका नाम रखा जाता है ऑपरेशन मेघदूत। और यह 13 अप्रैल 1984 को शुरू होता है। भारी ठंड और खराब मौसम के बावजूद भारतीय सेना बिना रुके सियाचिन क्षेत्र पर अपना नियंत्रण हासिल करने का निर्णय लेती है और इसमें भारतीय वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जाती है। ऑपरेशन मेघदूत के पहले चरण के दौरान भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर के साल्टोरो रेंज के कई उच्च महत्वपूर्ण स्थलों पर अपना कब्जा बनाने में सफल हो जाती है, जिनमें 4 कुमाऊं रेजिमेंट के 29 जवानों को बिलाफोंडला पर तैनात किया जाता है।
बिलाफोंडला के बाद ग्योंगला और सियाला पर भी भारतीय सेना अपने पोस्ट बना लेती है और इस तरह साल्टोरो रिज की सभी प्रमुख चोटियां जैसे कि ग्योंगला, सियाला, बिलाफोंडला और सबसे मुख्य था इंदिरा कॉल, इन सभी जगहों पर भारतीय सेना अपने तिरंगे को लहराने में सफल रहती है। लेकिन पाकिस्तान की सेना शांत नहीं बैठती है, वह जून 1984 में फिर से हमला करती है और अगस्त 1984 में और एक हमला करने का प्रयास करती है। लेकिन इन दोनों हमलों को हमारी भारतीय सेना की टुकड़ी मुंहतोड़ जवाब देकर नाकाम बना देती है। तब से लेकर आज तक भारतीय सेना साल्टोरो रिज पर तैनात है, जबकि पाकिस्तानी चौकियां भारतीय चौकियों से 3000 फीट नीचे हैं, जो साल्टोरो रिज के पश्चिम में स्थित है। ऑपरेशन मेघदूत की सफलता ने बहादुरी, साहस और संघर्ष के साथ सियाचिन क्षेत्र में भारतीय सेना को स्थिरता और अधिकतम उच्चतम स्थानों पर कब्जा करने के लिए सक्षम बनाया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी ऑपरेशन मेघदूत की। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इन अमर जवान शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और आगे चलते हैं। और उसी रास्ते से जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपको सामने की तरफ और कुछ मॉन्यूमेंट दिखाई देंगे जहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, जहाँ पर जिस तरह शॉक वॉर मेमोरियल में सोल्जर्स के स्टैचू रखे थे, बिल्कुल वैसे ही स्टैचूज यहाँ पर रखे गए ग्रेट करेज एंड फोर्टिट्यूड के। और साथ ही साथ वहाँ पर जेट स्कीज भी है और आई लव सियाचिन का बोर्ड भी है। तो अभी ये जो पूरा एरिया है, इसे टूरिस्ट के लिए अच्छे से डेवलप किया जा रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है हर बार मैं जहाँ पर भी आपको लेकर जाऊँ तो मैं आपको वहाँ से रिलेटेड कहानियाँ दिखाने की। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। और यदि आप और भी कुछ देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ये आपके लिए तो फ्री होगा, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों, ये फेजेस है सोल्जर्स जब सियाचिन वॉरियर बनते हैं तो किस तरह से उनकी ट्रेनिंग होती है और उनका यूनिफॉर्म किस तरह से अपग्रेड होता है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। और इसे एक सेल्फी पॉइंट की तरह बनाया गया है। यहाँ पे लिखा है आई लव सियाचिन, जो आजकल बहुत ही कॉमन फ्रेज हो गया है हर जगह पे। और यहाँ पे बोर्ड भी मारा है सियाचिन सेल्फी पॉइंट। और जैसे कि कल वहाँ पे जेट स्कीस रखी हुई थी, वैसे यहाँ पर भी दो जेट स्कीस रखी हुई है। और वही सामने चार सोल्जर के पुतले हैं। ये पोलारिस की है, जिसकी एटीवी आती है, उसी की जेट्स की है ये। और यहाँ पर दूसरी तरफ और एक जेट्स की थी दोस्तों। और यहाँ पर एक खास बात ये है कि आप इन पर बैठ के आप फोटो भी खिंचवा सकते हो। तो चलिए इन पर बैठ के थोड़ी सी फोटोग्राफी करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, ये स्नोमोबाइल है और इसी में हमारे जो सोल्जर्स है वो सियाचिन में पेट्रोलिंग करते हैं। और ये जो है ये पोलारिस की है, और ये मतलब काफ़ी कम टेम्परेचर में चलने के लिए इसको बनाया जाता है। और यहाँ पर और एक मॉडल है जो मैंने आपको बताया, वाइट ट्रैक का भी है। और ये जो मतलब जिसको सर्विस से बाहर कर दिया जाता है, वो यहाँ पे उन्होंने रखा है टूरिस्ट के लिए सेल्फी पॉइंट की तरह। तो यहाँ पर इसे बैठकर आप ऐसे फ़ोटो खिंचवा सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि आप इसे नुकसान ना पहुँचाएं, क्योंकि ये हमारे भारत की आर्मी की प्रॉपर्टी है। बहुत लोग मैंने देखा है कि ऐसी सब चीज़ों से बहुत छेड़छाड़ करते हैं, तो जहाँ तक हो सके वो सब चीज़ें ना करें तो अच्छा रहेगा। तो चलिए आगे सेल्फी पॉइंट पर चलते हैं और दूसरी चीज़ें भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये दोस्तों है यहाँ का करेज एंड फोर्टिट्यूड मॉन्यूमेंट, जिसमें आपको हमारे जवानों की पोजीशन दिखाई देगी कि जब शुरुआत में आते हैं तो ट्रेनिंग होते हैं, फिर जैसे जैसे उनका प्रमोशन होता है कि आपको समझ में आएगा कि उनके जो शूज़ है वो भी चेंज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर नॉर्मल शूज़ है, फिर यहाँ पर अलग शूज़ आ गए, और यहाँ पर और चेंज हो गए, और यहाँ पे ये स्नो वाले जो है इसमें ये हुक्स लग गए, और ये पूरा जो इनका सूट है ये थर्मल सूट होता है। ये देखिए, तो ये है हमारे सियाचिन वॉरियर्स, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं बिल्कुल विषम परिस्थितियों में, जहाँ पर जाने के बारे में आप और हम सोच भी नहीं पाते, वहाँ पर ये पेट्रोलिंग करते हैं 6-6 महीने। तो ये एक सेल्फी पॉइंट नहीं है दोस्तों, ये एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि किस तरह से हमारे सोल्जर्स हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करते हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि
सामने जो है जहाँ पर हमने पार्क किया है ये वॉर मेमोरियल, ये जेट्स की, ये आई लव सियाचिन, ये सोल्जर्स, और वो जो सामने आपको दिख रहा है वो है ओपी बाबा टेम्पल। तो वहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, दरअसल कार लेके भी जा सकते हो आप वहाँ पर, लेकिन आगे जो चेक पोस्ट है वो पुलिस का चेक पोस्ट है, मिलिट्री का नहीं है। तो उसने ज़बरदस्ती हमें पार्किंग में डाल दिया ताकि हम पार्किंग में चले जाए और वहाँ से कुछ शॉपिंग करें। बाकी काफ़ी गाड़ियाँ अभी मैंने देखी ऊपर की तरफ गई है, इन्हें रोका भी नहीं गया है, तो ये गलत बात है दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए। दोपहर का टाइम है, इतना चलने में मतलब काफ़ी सांस चल जाती है, लेकिन चलो ठीक है, कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, एक बार ये आई लव सियाचिन के पास जाते, थोड़ी सी फोटोग्राफी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आए तो यहाँ की यादें तो अपने साथ में कैप्चर करनी पड़ेगी। और ये बहुत ही अच्छा सा पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे आपको पीछे की तरफ सियाचिन ग्लेशियर भी दिखाई देता है। तो मैंने और अल्पेश भाई ने यहाँ पर थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी की, और अभी अल्पेश भाई बोल रहे थे कि मैं पहले जाके नीचे गाड़ी लेकर आता हूँ, फिर हम लोग आगे जाएंगे ओपी बाबा टेम्पल, क्योंकि यहाँ से थोड़ा और लंबा है तो उतना चल के जाने की इच्छा नहीं थी, उनको गर्मी लग रही थी, तो वो भी चले गए नीचे की तरफ अपनी गाड़ी लाने के लिए। तो अल्पेश भाई गाड़ी लेकर आ गए हैं। अल्पेश भाई, यस यस, आगे आगे ओपी बाबा टेम्पल। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे ओपी बाबा टेम्पल, और अभी गाड़ी आ गई है तो कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी में बैठ के ही चलेंगे आगे की तरफ। और दूसरी एक बात आपको बता दूं कि जिस तरह से सिक्किम में नथुल्ला पास के पास हरभजन सिंह का टेम्पल है, उसी तरह से यहाँ पर ये ओपी बाबा टेम्पल है। और जो एक्चुअल में जो टेम्पल है वो यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है जो मेन टेम्पल बना हुआ है, लेकिन टूरिस्ट के लिए यहाँ पर ये और एक टेम्पल बनाया गया है जहाँ पर टूरिस्ट आके विजिट कर सकते हैं, और इसे सर्वधर्म स्थल का नाम दिया गया है। तो ये लास्ट पॉइंट है अभी फ़िलहाल जहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, हो सकता है शायद आने वाले फ्यूचर में थोड़ा और आगे तक जाने दिया जाए, जिस तरह से थोड़ा खबर मिल रहा है, लेकिन कुछ श्योर नहीं है। तो फिलहाल तो जहाँ तक जाने मिल रहा है वहाँ तक जाते हैं, और वहीं दीजिए दोस्तों, आ गया थोड़ी देर में ओपी बाबा टेम्पल। ये जो सामने की तरफ आपको एक शेड दिखाई दे रहा है वही टेम्पल है, और यहाँ पे लिखा है ओपी बाबा की जय। तो चलिए दोस्तों, गाड़ी पार्क करते हैं और चलते हैं ओपी बाबा टेम्पल में। और इनकी भी कुछ कहानी है दोस्तों, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों, ये है यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार ओपी बाबा मंदिर का, तो चलिए अंदर चल के दर्शन करते हैं। और एक बात बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे इस मंदिर को हमारी इंडियन आर्मी वाले लोग बहुत मानते हैं, तो इनके पीछे भी एक कहानी है कि इस मंदिर का इतना महत्व क्यों है, तो वो भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कुछ ऐसी है कि ओपी बाबा का नाम दरअसल कैप्टन ओम प्रकाश था, और इन्हें मलोन पोस्ट पर गश्त करने के लिए भेजा गया था, जहाँ पर अचानक हुए हमले में वो दुश्मन को मात देने में सफल रहते हैं, लेकिन उसके बाद में उनके साथ क्या होता है ये आज तक कोई नहीं जानता। हालांकि आज उन्हें एक मार्गदर्शक देवता के रूप में माना जाता है, और साथ ही साथ ये भी बहुत दृढ़ता से माना जाता है कि ओपी बाबा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र की रक्षा करने वाले प्रत्येक सैनिक के सपनों में आकर आने वाले खतरों की चेतावनी देकर उनकी रक्षा भी करते हैं। और यह भी माना जाता है कि बाबा प्रत्येक महीने की 25वीं तारीख को नीचे ग्लेशियर से उतरते हैं और एक सप्ताह यहाँ पर रहते हैं, और अगले महीने के दूसरे दिन वे फिर से ऊपर चले जाते हैं। इसीलिए इस एक सप्ताह के दौरान ग्लेशियर से आने और जाने वाले सैनिकों को अधिक सतर्क और सावधान रहना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी ओपी बाबा की, मुझे उम्मीद है आपको ये भी कहानी पसंद आई होगी। और वहीं जब हम इस मंदिर में घूम रहे थे तो हमारे गुजरात वाले फ्रेंड्स थे, वो भी यहीं पर आ गए थे। दरअसल जब सुबह निकले तो उन्होंने हमें पूछा था कि आप कहाँ पे जा रहे हो, तो हमने बताया था हम लोग सियाचिन बेस कैम्प जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि उनका प्रोग्राम भी सियाचिन बेस कैम्प का ही है, तो वो भी अभी यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो मैं एक एक करके आपको सबसे मिला देता हूँ। चिराग पंडिया राजकोट से, आपका नाम? मनोज व्यास राजकोट से। सर आपका? विनोद भाईदा। विनोद जी जो है वो उनके बालों में बच जाएगा, सबसे यंग है, और सबसे सबसे यंगेस्ट पर्सन ये है यार, उनसे उनसे हमको प्रेरणा मिलती है और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। और तीनों कॉर्पोरेशन में सर्विस करते हैं। अच्छा, तीनों कॉर्पोरेशन में सर्विस करते हैं, बढ़िया है। 11 साल से रिटायर हुआ। 11 साल हो गए रिटायर हुए। अच्छा, चलो बहुत अच्छा लगा। और भी आई कहाँ होगा वहाँ पे, और फिर से मिलेंगे आपके साथ में। कोई बात नहीं, यस ग्रुप में रहेंगे। दोस्तों, ये ओपी बाबा टेम्पल है, और यहाँ से ये जो आगे रास्ता है, ये ब्रिज जो है,
ये बॉर्डर है, इसके आगे अभी तक कोई सिविलियंस को अलाउड नहीं किया जाता है। आगे आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड है मिलिट्री एरिया का, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। और अभी यहाँ पर और एक ब्रिज का काम चालू, क्योंकि ये छोटा ब्रिज है तो यहाँ पर साइड में एक बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है ताकि बड़े जो व्हीकल्स है वो यहाँ पर से आसानी से जा सके। तो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट जहाँ तक सिविलियंस को अलाउड किया जाता है। और वही जब हम इस जगह पे घूम रहे थे तो हमारी मुलाकात यहाँ पे काम करने वाले कुछ मजदूरों से हो गई। दरअसल ऐसी जगहों पर जाते हैं तो हम इन लोगों से मिलना भूल जाते हैं कि जिनके वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि यही लोग जो है जो सड़क बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। भाई साहब आप यहाँ पे मतलब कैसे, कितने टाइम से यहाँ पे हो? दो से। अप्रैल से अभी अक्टूबर के एंड तक रहोगे? हाँ अक्टूबर मोटा मोटी 10 तारीख तक हम लोग रहेंगे। अच्छा, और शाम को कितने, 5 बजे तक छुट्टी रहेंगे? सुबह कितने बजे से? सुबह मोटा मोटी 9 बजे तक 9-10, मतलब कितना ठंड है वो हिसाब से। ओके, बहुत मेहनत करते हो आप लोग? बहुत मेहनत भी होता है, कष्ट भी होता है। कष्ट भी होता है क्योंकि ऐसी ऊंची जगहों पर ठंडी में काम करना मतलब बहुत कष्ट वाली बात हो जाती है। पहले तो पूरा ठंडी हवा चलता है। हाँ, अभी धूप रात में अभी देखते रहे यही चल है, सोचते हैं हम लोग सांस फूल जाएगी है ना। हम लोग ठंडी में नींद नहीं लगती। नींद नहीं लगती है, सही बात है। पानी में हाथ पैर गोड़ धर दे बहुत मुश्किल। अच्छा, 6 बज जाएगा जाने से यहाँ से। बिल्कुल सही बात है। तो फिर आपका रहने का इंतजाम कहाँ होता है? टेंट में होता है? नहीं नहीं, हम लोग टेंट बनाऊंगा। अच्छा, वो जैसे अच्छा वैसे में रहते हैं? अच्छा, वहाँ पे रहता है। खाना वाना सब यही लोग देते हैं आपको? आपको कुछ बनाना नहीं पड़ता ना? चलो वो अच्छा है। चलो भाई लोग, आपका नाम बोलो। आपका छोटू। छोटू, गांव कहाँ से है? गांव कौन सा गांव है? झारखंड। झारखंड। और आपका नाम? मंगल। मंगल भाई। और आप? सहन। सहन भाई। आप? हम लोग गोड्डा जिला बड़ी कल्याणी। बड़ी कल्याणी। अगर इनके गांव वाले कोई भी देख रहे हो तो लाइक दे देना, क्योंकि आपके गाँव से आए और बहुत मेहनत करे यहाँ पे। वाकई में दोस्तों ऐसी जगह पर काम करना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि इतने हाई अल्टीट्यूड पर मजदूरी करना बहुत थका देता है। क्योंकि हम चल के भी आए तो हम थक गए थे और यहाँ पर ही मजदूरी करते हैं, तो एक लाइक तो दोस्तों इनके लिए बनता ही है। और ये लीजिए दोस्तों, हम आ गए इस ब्रिज पर और जहाँ से ये पानी बह रहा है। और ये जो पानी है दोस्तों, ये दरअसल सामने सियाचिन ग्लेशियर से होके आता है। और जैसे कि आने के टाइम मैंने आपको बताया था कि जो नुब्रा रिवर है ये सियाचिन ग्लेशियर से ही ओरिजिनेट करती है। तो ये जो आप देख रहे हो पानी, ये नुब्रा रिवर का पानी है जो सियाचिन ग्लेशियर से होके आता है। और ये सामने की तरफ आप देख रहे हो मिलिट्री एरिया है। तो फ्रेंड्स, ये वो ब्रिज है जो लास्ट पॉइंट है और इसके आगे आप देख सकते हो मिलिट्री एरिया शुरू हो जाता है। और अभी सोल्जर से बात हुई है तो वो बता रहे हैं कि शायद अगले साल तक इसके आगे भी सिविलियंस के लिए रास्ता खुल दिया जाएगा, तो एक अच्छी बात है। और आगे जो ओरिजिनल ओपी बाबा का टेम्पल है वो यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है, तो शायद हो सकता है शायद वहाँ तक सिविलियंस को भी अलाउ करेंगे। तो इसके आगे हम नहीं जा सकते, सो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। और यहीं पर हम इस सियाचिन ट्रिप का एंड करते हैं। लेकिन एडवेंचर अभी ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि रिटर्न में 1100 करके एक लेक है जो अभी थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है, वहाँ पर हम लोग कैंपिंग करने का प्लान कर रहे हैं। तो अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं अपनी लोकेशन पे और वहाँ पर टेंट पिच करके आपके साथ में सारा डिटेल शेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वापस से रिटर्न खालसर की ओर। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं क्योंकि वैसे भी काफ़ी लंबा हो चुका है। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे आज के वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। और अगले वीडियो में दोस्तों हम आपको यहां से लेके जाने वाले हैं 1100, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और वहां पे कैंपिंग करेंगे। हालांकि हमें पता नहीं है कि वहां पे कैंपिंग करना अलाउड है क्या नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें जानने के लिए दोस्तों आप हमारे साथ में बने रहिएगा। और यदि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, इन्हें शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए आपको और क्या देखना पसंद है। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ में डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद।